हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज आपको दिख रहा है मेरे टेबल के ऊपर क्रॉम्पटन सोलेरियम नियो वाटर हीटर। क्रॉम्पटन वाले कहते हैं कि इसके अंदर ग्लास लाइन कोटिंग की है उन्होंने। तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं ग्लास लाइन कोटिंग कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसका कलर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं इस गीजर को खोलकर। यानी कि इस गीजर की अभी पूरी R&D करने वाले हैं हम। इसको खोलेंगे, एक एक पार्ट यहां पर आपको दिखाने वाला हूं कि इस गीजर के अंदर क्या क्या लगाया है क्रॉम्पटन ने। तो इसको खोलने के लिए हमें ये ब्राउन वाला जो कवर है ये खोलना पड़ेगा। तो उससे पहले हमें ये जो रबड़ के सिलिकॉन के ये हैं उतारने पड़ेंगे, क्योंकि यहां से अब हमने इनके स्क्रू ओपन करने हैं और उसके बाद ये ओपन होगा। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर कुछ कॉशन लिखा है, तो ये आप देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक सप्लाई मस्ट बी डिस्कनेक्टेड बिफोर ओपनिंग दिस कवर। और इस तरफ एक वार्निंग लिखी हुई है, यानी कि इंस्टॉलेशन से पहले सारी चीजें पढ़नी जरूरी हैं। और यहां पर स्लीव्स के कलर कोड लिखे हुए हैं, किस किस कलर की स्लीव्स अंदर यूज की गई हैं। तो मैं बेसिकली ये सारे जो बोल्ट हैं, नट बोल्ट हैं, ये खोलने पड़ेंगे। तो सारे कनेक्शंस हमने खोल लिए हैं, नट बोल्ट वगैरह भी खोल लिए हैं। और ये रहा इसका हीटिंग एलिमेंट, ये रही प्लेट, ये रही रबड़ की सील, और जो हमने देखना है वो है इनर टैंक के अंदर। तो चलिए कैमरे को अंदर की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनर टैंक अंदर से ब्लू कलर का है, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग हो रखी है। वैसे ये SS का है, लेकिन कोटिंग हो रखी है, ग्लास लाइन कोटिंग है जो कि ब्लू कलर में है। और इनर टैंक के अंदर जो जॉइंट होता है वो भी यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं। और ये जो पाइप आपको दिख रहा है एक यहाँ पर, ये आउटलेट का पाइप है, गर्म पानी इसमें से निकलता है, जो लंबे वाला है। और जो ये छोटे वाला एक पाइप दिख रहा है आपको, ये इनलेट के लिए होता है। तो ये दोनों पाइप यहाँ पर हैं, तो ये दोनों पाइप अंदर इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं और टैंक के अंदर प्लेस रहते हैं। ये है इनलेट वाला, और वो जो दूर जा रहा है वो है आउटलेट वाला। और कोटिंग की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये कोटिंग बिल्कुल यहाँ तक की गई है। और ये थोड़ी सी आप देखोगे दो तीन कलर की कोटिंग है, इसमें ब्लैक कलर भी है, ब्लू भी है, कुछ पर्पल भी है। तो इस तरह से ये कोटिंग नज़र आती है। क्रॉम्पटन वाले कहते हैं ग्लास लाइन कोटिंग है ये। तो आप देख सकते हैं क्रॉम्पटन वालों की ग्लास लाइन कोटिंग कुछ इस तरह की दिखती है। खासियत इसकी ये है कि इसके ऊपर खार नहीं जमती, स्केलिंग वगैरह जो होती है वो जमती नहीं है। अगर आपके यहाँ पर हार्ड वाटर आता है तो आपको कोटिंग वाला ही लेना चाहिए गीजर। अब आते हैं इसके हीटिंग एलिमेंट के ऊपर। तो ये रहा इसका हीटिंग एलिमेंट जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है। 2000 वॉट का हीटिंग एलिमेंट है और ब्लू कलर का है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर भी कोटिंग की गई है। और ये भी सेम ही कोटिंग लग रही है मुझे, पर ये थोड़ी डार्क कलर में है। और ये एंकलॉय का हीटिंग एलिमेंट है। और इस पर आप देखिए इसकी खासियत क्या है कोटिंग की, क्योंकि हमने इसको चलाया था, टेस्ट किया हुआ है। तो अगर ये बिना कोटिंग के होता तो जैसे इसके ऊपर ये जमा हुआ है, उतर नहीं रहा है। ये देखिए इसको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बहुत मुश्किल से उतरेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर जो ये जमा हुआ है स्केलिंग, इसको मैं हाथ से ही उतार पा रहा हूँ। तो यही फायदा है एक कोटिंग होने का, कि कोटिंग होने से हार्ड वाटर में भी अच्छे से एफिशिएंसी बनी रहती है गीजर की। दूसरी तरफ दिखाऊँ यहाँ पर आप देखिए, ये जो रॉड है ये एनोड रॉड होता है, जो हार्ड वाटर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं गीजर को तो होना बहुत ज़रूरी है। देन ये दो एल्युमिनियम के रॉड आपको दिख रहे होंगे, आगे से ये बंद हैं। बेसिकली ये पाइप की तरह है, इनके अंदर ये दो टेम्परेचर सेंसर होते हैं जो हमने पहले निकाले थे। इसमें से एक कटआउट होता है और एक होता है थर्मोस्टेट। तो ये दोनों अंदर की तरफ रहते हैं पानी का टेम्परेचर देखने के लिए और फिर उसको ऑटो कट ऑफ कराने के लिए। तो ये है इसका सारा सिस्टम। और हीटिंग एलिमेंट साइज़ में काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 10-12 इंच का हीटिंग एलिमेंट है, इसीलिए एफिशिएंटली पानी को भी जल्दी से गर्म करता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने इस तरह के और भी अगर वीडियोस देखने हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अब इसको खोल तो लिया है, अब हमें इसे फिट भी करना है। तो चलिए हम इसको अब फिट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही यूजफुल वीडियोस मिलते हैं जो आपकी नॉलेज में करते हैं इजाफा। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।